पिछले वीडियो दैट इज वीडियो 21 ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने फर्स्ट सम सॉल्व किया था बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये सेकंड सम हम देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इफ पी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/3 एंड पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, बी गिवन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो पार्ट वन है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए पार्ट, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। क्योंकि यहाँ पे इवेंट बी पहले अकर हो चुका है, इसलिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें गिवन है 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 1/3, है ना। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 × 3/1, और हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारा किसके इक्वल आता है, यहाँ पे 3/4 के इक्वल। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 3/4 के इक्वल। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवेंट ए पहले अकर हो चुका है ना, तो इवेंट बी के लिए जो है वो ए सैंपल स्पेस बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था, इवेंट बी अकर पहले हो चुका था, इसलिए इवेंट ए की जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इवेंट बी जो है वो सैंपल स्पेस बन जाएगा किसके लिए, इवेंट ए के लिए। तो इसीलिए ये हम पिछले जितने ही वीडियोज हैं उसमें ये पढ़ चुके हैं ना। तो सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, 1/4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है, 1/2, तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/4 × 2/1, और आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है हमारा किसके इक्वल आता है, यहाँ पे 1/2, है ना। तो ये हमारा आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब हमको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब हम जानते हैं कि ए और बी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, है ना। तो हम जो हमारा एडिशन थ्योरम फॉर प्रोबेबिलिटी था फॉर एनी इवेंट्स, वो हम इधर अप्लाई करेंगे, जो हमने पिछले सम में भी अप्लाई किया था। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें दिया हुआ है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। तो हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/2 + 1/3 - 1/4, इज दैट क्लियर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये एलसीएम हमारा निकल के आता है यहाँ पे 12, है ना। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 4 - 3, और हम इसको लिख सकते हैं 10 - 3/12, और ये किसके इक्वल हमारा आ गया, 7/12 के इक्वल। तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल आता है, 7/12 के इक्वल, इज दैट क्लियर। तो इस सम में हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो इस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।